जी अस्सलाम वालेकुम जी, प्राइज बॉन्ड जेंटलमैन यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम। तमाम दोस्तों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ यार, ताकि दोस्त ये ना कहें कि कोई फाइनल वगैरह कोई चीज़ नहीं दी, तो उन तमाम दोस्तों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और टाइम नहीं लूँगा आज तमाम दोस्तों का, तो डायरेक्ट हम वीडियो की तरफ चलेंगे। और तमाम दोस्त जो इतने भी नए आए हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि मैं आप तमाम दोस्तों के लिए मज़ीद इससे भी अच्छी मेहनत आप तमाम दोस्तों से शेयर करूँ। और जो कुछ होता है यार मैं आप तमाम दोस्तों के लिए खिदमत में कर देता हूँ, बाकी लगना है या नहीं लगना इसकी मैं गारंटी एक ज़र्रा सी भी क्या होती है वो मैं नहीं देता, किसी को भी नहीं देता। हद तक के बहुत सारे लोग गारंटियाँ देते होंगे, मगर मैं इस नंबरों की गारंटी नहीं देता। इसमें सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन चलेगी तो आपका इनाम लगेगा, मेरा इनाम लगेगा, जस्ट कैलकुलेशन टूटेगी तो वो सब जो कुछ भी होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी सारे दोस्त वीडियो पे आते हैं, बोलते हैं जी आपकी हम गेम देखते हैं आपकी चलती नहीं है। ये यार वो चीज़ें हैं जो मैं दिखा के जाता हूँ, बता के जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो चल के जाती हैं। अगर मैं इसको पूरी को काउंट करूँ ना, तो ये जो मैंने 750 थाईलैंड का ड्रा दिया, पाकिस्तानी ड्रा दिया था, तो इसमें 19 का आंकड़ा भी लगा था, 13 का आंकड़ा भी लगा था, और आपका अल्लाह भला करे ये 31 का आंकड़ा भी लगा था, ठीक है। मैं क्योंकि लोग बड़ी बड़ी अजीब अजीब गुफ्तगू इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती उन लोगों की कि हम झग मारे हैं या बैठे हुए हैं, हमें गेम बनानी नहीं आती या हमें देखनी नहीं आती, तो आके एकदम अगले बंदे को जो है ना हाइपर कर देंगे और कह देंगे। ये जितने भी इस ये पूरा रजिस्टर भरा हुआ है, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा मैंने आपको इसमें से फार्मूले मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसमें से सिर्फ मैं आप ये डब्बियाँ मेरी, ये वो समझते हैं जो मेरे साथ एक अरसे दराज से चल रहे हैं, ठीक है। फोर फिगर क्या, लिंक क्या, इतना कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ, वैग गुटका सेंटर, तो इतना तो कोई मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पूरे दिखाता भी नहीं होगा जितनी चीज़ें मैं आपको दिखा जाता हूँ। ये मैंने फ़ाइनल किए थे, मुझे ये पसंद थे, फोर्थ फिगर सेंटर क्लोज, ये ओपन है, ओपन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इतनी चालें हैं ओपनों की कि पता नहीं क्या इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट की गेम थोड़ी सी जो होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। सेंटर के भी मैंने आपको चालें दिखा चुका हूँ, ठीक है। मैं आज सिर्फ एक रूट ले कर आया हूँ आपको, जमा आंकड़े का रूट दिखाऊँगा बस, और कुछ भी नहीं। ये क्या चीज़ है, इसको चलो सेट वे करो। मेरे पास क्लोज सेंटर का गुटका क्या, ये गुटके के रूट मैंने दिखाए थे दोस्तों को, कहते हैं हमें दिखाया नहीं, हमें पता ही नहीं है यार। ये दो रूट मैंने फर्स्ट गुटके के दिखाए हैं, मिडल गुटके का भी रूट मैंने मेरे ख्याल से दिखाया था आपको, ठीक है। जमा आंकड़े का रूट भी दिखाया, क्लोजों के भी रूट दिखाए हैं, जो जो कुछ था मेरे पास मैंने आपकी मदद के लिए रखा है कि यार आपका फ़ायदा होना चाहिए। ये लिंक चल रहा है करंट मेरे पास, अब पता नहीं चलता है नहीं चलता, इतनी चीज़ें होती हैं। ये मैं यार जमा आंकड़े का रूट है आप तमाम दोस्तों के लिए, यकम से यकम का रूट है ये, ठीक है। ये यकम से यकम का रूट है जमा आंकड़े का, ठीक है। ये चौथे पाँचवें को जमा करना है आपने, ये 84-30 से आप चेक कर लेना, चौथे पाँचवें की जमा 6 है, 2 बढ़ा देंगे 8, जुट में जमा 6-8 की लगेगी, वरना जमा कली की लगेगी। अब कली की कौन सी लगेगी, सफ़े से अप डाउन करेंगे, 8-9-0 और इनके घर ये जमा होगी। अब इसमें से जुट कली की जब जमा निकालेंगे आपके पास 3-4 जमा हर बार बचेंगी, वही जमा आपकी फर्स्ट में लगेगी। तो जुट में 6-8 की लगनी थी तो 8-9-0, तो जुट में 8 की जमा पड़ी थी, ये लग गई। ये जमा 9 है, 9-1 लगे तो सफ़े से कम ज़्यादा करेंगे 1-2-3, तो 9 है नहीं, तो कली में सिर्फ एक जमा, वरना जुट जमा में से ये एक की जमा लग गई। ये जमा 2 है, 2 बढ़ा देंगे 4, 2-4 वरना कली की जमा लगे तो अप डाउन करेंगे 8-9-0, तो इसमें 2 की नहीं है तो ये जमा में से ये 9 की जमा लग गई। 2-4 वरना कली की जमा, तो 6-7-8 में से 9 की जमा नहीं है, 9-4 की, तो ये कट जाएगी, ये जमा बचेंगी तो 2 की जमा लग गई। फिर 5-7 लग गए वरना जुट जमा लगे, तो 6-7-8 इनके घर में से जमा लगे, तो 5 की जमा थी नहीं तो ये कट जाती है, ये 4 जमा में से जमा लग गई। ऐसे रूट अब ये मैंने अपने लिए रखे हुए होते हैं, लेकिन मैं आज इसलिए दे रहा हूँ कि यार चलें दोस्तों का फ़ायदा हो जाए, और मुझे कोई लालच नहीं है ना, अल्लाह माफ़ करे मुझे कोई यूट्यूब से आकर मुझे कोई कहता है कि जी आप ये कर लें, ठीक है। तो बस मैं कहता हूँ कि चलें दोस्तों का फ़ायदा हो, जिस दिन दोस्तों के दिल के अंदर ये मलाल आ गया कि हमने इस बंदे की रूटीन से फ़ायदा उठाया, इस बंदे का हक बनता है, इसको हमें कुछ देना चाहिए, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वरना
मैं जो कुछ होता है आप सब के सामने रख देता हूँ। मैंने इन रूटों की कभी भी परवाह नहीं की है। ये रूट सिर्फ ये ड्रा से पहले अच्छे लगते हैं, ड्रा के बाद ये रूट टूट जाए तो ये एक टक्के का रूट भी नहीं है। ये ड्रा से पहले रूट है, इसकी वैल्यू है। ड्रा के बाद इसकी ज़रा सी वैल्यू नहीं है इस रूट की, ठीक है ना। तो ये जमा नौ है, नौ में दो बढ़ा देंगे, कली में एक नौ की, वरना पाँच छः सात जीरो एक दो में से जमा लगनी है तो नौ है नहीं, एक की जमा लगेगी, वरना जुट जमा में से ये जमा लग गई। ये जमा छः है, दो बढ़ा देंगे आठ, जुट में छः आठ, वरना कली की जमा पाँच छः सात में से आठ की जमा नहीं है तो काट देंगे, ये जमा लगेगी तो सात की जमा लग गई। ये जमा छः है, दो बढ़ा देंगे आठ, वरना कली की जमा तो ये सारी जमा मौजूद थी तो आठ की जमा लग गई। आठ जमा तीन है, दो बढ़ा देंगे पाँच, कली में तीन पाँच की जमा, वरना जुट जमा में से जमा लगेगी यहाँ पर इंशाल्लाह। अगर मेरे ये कैलकुलेशन चलती है तो मुझे उम्मीद है कि ये जमा चार जमा में से यहाँ पर जमा लगेगी। मैंने आपसे वादा किया था कि जमा मैं आपको फ़ाइनल कर देकर जाऊँगा, तो मुझे ये जमा पसंद है। बाकी क्या लगनी है मुझे नहीं पता, ठीक है जी। तो बाकी मैं चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। बाकी अब भी इतना कुछ मैंने देने के बाद भी पता दोस्त पता क्या कहते हैं, कोई हमें गिफ्ट दे दें। मैंने आपको मेरे ख्याल से जो है दिखाया है इस बार, शायद ही मेरे ख्याल से मैंने आपको जो है ना इस बार मैंने आपको तो मैंने ये रूट मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ एक गलती ये की है कि मैंने आपको सेंटर नहीं दिया, तो उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं जी सेंटर हमें दे दें, हम अपना लगा लेते हैं, आपको दे दें, उसके बाद हम ढूंढते रहें कि हमें कहाँ से मिलना है ये डंडोला, ठीक है। वो लगे नहीं लगे वो एक अलग बात है यार, ये आंकड़े आपके सामने पड़े हुए हैं। इसके साथ सिंगल सेंटर है, इस पेपर के ऊपर वो सारा रूट मैंने मेंशन किया हुआ है। ये ड्रा खुलेगा तो ये रूट मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे ये सिंगल सेंटर मैच हो रहा था तीन रूटों से, और दो रूटों से क्लोज कैसे दो क्लोजों में से क्लोज लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने चार के चार क्लोज अप्लाई किए हैं, दो को मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने ये चार के चार क्लोज इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। मुझे ये ज़्यादा पसंद थे इसीलिए मैंने यही इस्तेमाल किए हैं। बाकी मैंने आपको एक यकम से यकम का रूट दिया था जिसमें 97 भी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत सारे रूट, अब देखें एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये ऐसे ऐसे रूट बनाता हूँ मैं, ये देखें एक आंकड़ा है, ये एक आंकड़ा है, ठीक है। अब ये नहीं चलते वो अलग बात है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने मेम्बरान को जो मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं उनको मैं ऐसे रूट बना के दूँ ताकि उनका फ़ायदा हो सके, ठीक है। वो ना चले एक अलग बात है, ठीक है। तो अभी ये 94 फर्स्ट लग के गया, ठीक है। तो अभी आने वाला ड्रा इसके अंदर मौजूद है, तो अब जो पैसे भर के आए हैं क्या वो ऐसे ही आके बैठ गए, उन्हें फ़ायदा नहीं चाहिए मुझसे, ठीक है। वो फ़ायदे के लिए आके बैठे हैं ना, अब ये रूट चलता है तो उनका फ़ायदा होगा। अब ये रूट मैंने आपको ओपन करके दिया है, बताएं इससे बढ़कर क्या होता है। ये रूट मैंने आपको ओपन करके दिया, यहाँ पर मैंने आपको ये सेंटर बना के दिया। अब मैं इसमें से आपको सिंगल आंकड़ा यहाँ पर करके दे दूँ, ठीक है। तो मुझे बताएं कोई मुझे देगा आपको यहाँ में इन्हीं आंकड़ों में एक ही आंकड़ा चल रहा है, ये तो चार है ना, इन चार में भी एक चल रहा है सिर्फ, ठीक है। तो मैं फिर भी आप दोस्तों के लिए इतना करता हूँ, लेकिन आप दोस्तों को शायद मेरा ख्याल नहीं आता या आप जो है समझते नहीं हैं इस चीज़ को। मैंने हमेशा से कोशिश की है कि आप तमाम दोस्तों का इनाम लगे, मेरे नसीब का होगा ना तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा इनाम लगेगा, अगर आपके नसीब का है तो आपको ज़रूर मिलेगा मेरे भाई। अब ये मैंने चार रनोले फेवरेट किए हैं, चार बोल रहा हूँ, ये मैंने चार आंकड़े और चार सेंटर फाइनल किए हैं। अब मैं इसमें से आपको कहूँ कि यार ये आंकड़ा लगना है या ये लगना है या ये लगना है या ये लगना है, तो अब चार रनोले बन गए। अब चार में से बाद में पता क्या ना, अब खेलने वाले इतने खेल जाते हैं कि बाद में हमारे जैसा मुँह देख रहा होता है कि रूटीन भी हमारी है, हमने खेला नहीं है, क्योंकि भाई हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इनको फाइलों से गैप करें, ठीक है। मैं एक आम सा बंदा हूँ, ठीक है, आम सी मैं कैलकुलेशन करता हूँ और तमाम दोस्तों के फ़ायदे के लिए सोचता हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वालों के लिए, आप तमाम दोस्तों के लिए। बाकी कोई हमें याद करे या ना करे वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन हमेशा से मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे, उनकी मदद करे। और माशाल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने वो चार टंडोलों के लिए पैसे भेजे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको तमाम दोस्तों को कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया, क्योंकि जो इंसान को अपने ऊपर एतमाद होता है वो दूसरे पे एतमाद करता है, जिसको अपने ऊपर एतमाद नहीं है वो दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये गेम है सिर्फ एतमाद की। मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसा काम किया कि मैंने एक सेंटर का चांस लिया, अभी पता नहीं वो लगता है कि नहीं लगता, गारंटी मैं किसी किस्म की नहीं देता, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हो, चाहे वो मेरे
यूट्यूब के ऊपर। मेरी जस्ट कैलकुलेशन है, वो मैं आप तमाम दोस्तों के सामने रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें से सिंगल आंकड़ा निकालें, रूट पूरा आपके सामने शो किया हुआ है मैंने। ये लें, ये मैंने जहाँ से रूट शुरू किया है, ये सिंगल आंकड़ा चल रहा है, हर बार सिंगल आंकड़ा चलेगा, हर बार दो भी नहीं होंगे, सिंगल आंकड़ा चलेगा। वैसे तो आपके हर बार आठ आंकड़े बनेंगे ना, आठ में से ही सिंगल चलेगा हर बार, लेकिन बनाएं थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग लगाया करें। एक बंदा आपको पूरे रूट समझा रहा है, बता रहा है, तो उसमें अगर वो आपको यानी कि कुछ, अब आठ में से भी मैंने आपको चार करके दिए यहाँ पर, तो ये मेरी देखें, अब यहाँ पर ये दो टंडोले फर्स्ट लगे हैं, 94-3 भी लगा है और 44-8 भी लगा है। ठीक है, अब पीछे देखते हैं भाई, अब जिसका भी है सब्र करो, फोन जिसका भी है, यहाँ पर ये देखें, इस रूट में 10-5 फर्स्ट लगा, 16-6 सेकंड लगा, 37-3 सेकंड लगा है, 25-3 फर्स्ट लगा है। ठीक है, अब ये रूट चल रहा है ना, अब मुझे क्या पता कल को ये फर्स्ट चला जाए रूट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ इस रूट का? रूट है ना, चल रहा है, यहाँ पर 48-5 दो दफ़ा लगा है, यहाँ पर 83-5 लगा है, यहाँ पर अभी ये 44 लगा है, ये 94 लगा है, तो अब ये रूट आपके सामने, मुझे बताएं क्या इसमें मैंने कोई गलत किया आपके सामने रूट रख के? आपको बकायदा पूरी तरतीब समझाई है, फ़र्क आंकड़ा समझाया है, इसमें जमा आंकड़ा भी चल रहा है, जब मैं जमा आंकड़े के साथ जाता हूँ तो मेरा सिंगल आंकड़ा बचता है हर बार। ठीक है, बाकी इस रूट से क्या दोस्तों ने फ़ायदा नहीं उठाया होगा? इस रूट से क्या दोस्तों ने फ़ायदा नहीं उठाया होगा जब ये मैंने रूट दिया था? बहुत सारे दोस्तों का इनाम लगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब इनाम लग जाता है ना, तो इंसान को अपनी ज़रूरियात सबसे ज़्यादा नज़र आने लग जाती है। ठीक है, तो अब ये रूट भी मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, ये ले, अब आप उसके साथ टैली कर लें या इनको अलग से खेल लें, अब चीज़ें हैं मेरे भाई, अगर उनके साथ टैली होता तो 80 का आंकड़ा आपका पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अगर वो और ये टच नहीं होते तो और कोई आंकड़ा लग जाता है, तो उसमें आप क्या करेंगे, ये आंकड़े पड़े हुए हैं आपके पास, 6 आंकड़े ये पड़े हुए, अब ये भी मैंने विद रूट ही आपके सामने शो किया हुआ, अब इसमें भी मेरे पास सिर्फ 2 आंकड़े चल रहे हैं। ठीक है, इसमें भी मेरे पास सिर्फ 2 आंकड़े चल रहे हैं हर बार, तो मैं आपके लिए सिर्फ यही करता हूँ कि थोड़े से ज़्यादा कर देता हूँ बस। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप को इससे शार्ट करके देता हूँ, मैंने अपने व्हाट्सअप ग्रुप को एक एक आंकड़े वाली चाल देनी होती है, दो दो टंडोलों वाली चाल देनी होती है, दो दो पीसियों, चार चार पीसियों वाली, वो नहीं लगती, वो एक अलग बात है, लेकिन एक मेहनत कर कर तो दिखाता हूँ कि उनको पसंद आए कि यार ये बंदा मेहनत करके दिखा रहा है, तो जिस दिन लगना है तो उस दिन क्या ख्याल है आपका कि छोटा ही नाम लगेगा उनका? तो जब लगना है तो सबका कम से कम अच्छा ही नाम लगेगा ना। तो बस मेरी गलती ये होती है कि मैं विद रूट आपके सामने शो कर देता हूँ, बस ये मेरी गलती है, बाकी तो आंकड़े शो कर देते हैं, बाकी कहते हैं जी इतनी मिठाई लेंगे हम आपसे तो हम आपको टंडोले दे देंगे, मैं ये गलती करता हूँ कि मैं आपके सामने पूरे रूट रख देता हूँ, बस ये मेरी गलती होती है। तो मेहरबानी किया करें भाईजान, और मेरी बातें लोगों को बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि मैं गलत बात ना करता हूँ और ना मुझसे बर्दाश्त होती है। ठीक है, बहरहाल लास्ट में माजरा तमाम दोस्तों से, भाईजान मेरी कोई बात गलती अगर गलत लगी हो तो ये आप तमाम दोस्तों के लिए रूट है जी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाकी करंट में बहुत कुछ में चल रहा है, तो इससे बेहतर है कि जो मैंने आपको दिखा दिया, दे दिया, आप उसी पे फर्स्ट की भी टोटल मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी हैं यार, सेकंड की भी रख दी हैं, सेकंड के मेरे पास 12-13 रूट हैं, इसमें से मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को 2 रूट दिए हैं सिर्फ। ठीक है, बाकी मैंने आप 3 रूट आपकी नज़र कर दी, उसमें से एक रूट में से सिर्फ सेंटर रखा है मैंने, बस और कुछ भी नहीं किया। बाकी अल्लाह पाक आपकी भी मदद करे, दुआ करना अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। बाकी जो भी मैंने, जो दोस्तों ने पैसे भेजे हैं वो मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं वक्त से पहले जैसे फाइलें बंद होती है उसी टाइम एक लाइव छोटी सी वीडियो बना के यूट्यूब पर चढ़ा दूँ, ताकि सबको पता हो कि ये तमाम दोस्तों ने जो पैसे दिए थे उनकी वो गेम खेली हुई है और वो अपलोड कर दी है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।